नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशन आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस का जो कोर्स है वो लेके आ चुका है। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के अंदर बार बार पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया गया है, इससे पहले ही कानून कब लागू किया गया था? जल्दी से प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें दोस्तों। प्रश्न का राइट आंसर है 1986। राइट आंसर क्या, 1986 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है गन मेटल के बारे में पूछा गया है। दोस्तों गन मेटल के बारे में पूछा गया है कि किस सम्मिश्र धातु से निर्मित है, बताएंगे प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों गन मेटल धातु, राइट आंसर इज कॉपर से बना, टिन से और जिंक से बना निर्मित है। ऑप्शन नंबर आपका बेक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर के लिए है, मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजनाएं, प्रस्तावनाएं या समवर्ती सूची? दोस्तों इसका राइट आंसर है पंचवर्षीय योजना। क्या है, पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और जो देखिए इस प्रश्न का उत्तर देखिए क्या कह रहा है, बताएंगे दोस्तों। राइट आंसर इज डुगोग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र से संबंधित है, यानी किस वन्य जीव से संबंधित है डुगोग। इसका राइट आंसर है मीनार की खाड़ी से संबंधित है। क्या है दोस्तों, मीनार की खाड़ी से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेत शून्य करने के लिए उपयोग होती है, बताएंगे प्रश्न का राइट आंसर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जीनोन। क्या है, जीनोन आपका राइट आंसर। क्या है, जीनोन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन से गुरजीत कौर को किस निम्न में से खेल से संबंधित है, गुरजीत कौर के संबंधित पूछा गया है। दोस्तों गुरजीत कौर का संबंध हॉकी से, किससे है दोस्तों, हॉकी खेल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा त्यौहार ओडिशा के अंदर मनाया जाता है, ओडिशा। दोस्तों ओडिशा से संबंधित पूछा गया है और ओडिशा की राजधानी पूछिए तो भुवनेश्वर है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ओडिशा, यस का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर आपका सी, बाली तृतीय। क्या है, बाली तृतीय मनाया जाता है। दोस्तों अगर आप एसएससी एमटीएस की प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, एसएससी एमटीएस का 1 जुलाई से 20 जुलाई तक आपका एग्जाम है और इसके लिए हमारी टीम के द्वारा 35 प्रैक्टिस सेट निकाले गए हैं, जिसको 80% छूट दे रहे की मात्र ₹120 के अंदर। कितने है दोस्तों, ₹120 के अंदर है। अगर इस प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन करना है तो दोस्तों यहां पर आपको देखेंगे 1 जुलाई आपका एग्जाम है, इसके लिए आपको 9461041363 पे जाना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर मुझे एसएससी एमटीएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो हमारी टीम आपको मैसेज करेगी, आप ₹120 जमा करवाना। जैसे ही ₹120 जमा करवाएंगे तो हमारी टीम के द्वारा क्या होगा, हमारी टीम के द्वारा आपको एक मैसेज भेजेगी और वहां से आप डाउनलोड करके भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपको देखने वाली, अगला क्वेश्चन यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा प्रश्न है आप सभी के लिए। चलिए बेरी बेरी रोग सवाल पूछा गया है, बेरी बेरी की कमी से कौन सा रोग होता है, क्या बात है, बेरी बेरी के बारे में पूछा गया है, बताएंगे दोस्तों। विटामिन की कमी से होता है, इस प्रश्न का राइट आंसर विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। आईने ए अकबरी, आईने एक अकबरी
लेखक कौन है? आईन ए अकबरी के लेखक कौन है? राइट आंसर अबुल फजल है। कौन है दोस्तों? अबुल फजल है। गोल गुमज भारत के किस राज्य में स्थित है? अगला प्रश्न देखेंगे, गोल गुमज भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएंगे प्रश्न का राइट आंसर क्या है। राइट आंसर कर्नाटक जिले के अंदर। किस जिले के अंदर? कर्नाटक जिले के अंदर स्थित है। चलिए, निम्न में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? दोस्तों गोवा का लोक नृत्य, गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी पणजी है। मांडवी नदी, कौन सी नदी? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। बताएंगे दोस्तों गोवा के बारे में पूछा गया और इस प्रश्न का राइट आंसर फुगड़ी। क्या है? फुगड़ी। फुगड़ी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? बताइए जल्दी से, जल्दी से प्रश्न का उत्तर बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है। कौन सा है दोस्तों? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी कोशिका यानी अंगक आत्मघाती की थैली? प्रश्न का उत्तर अंगत के बारे में पूछा गया है और आत्मघाती की थैली के बारे में पूछा गया। बताइए प्रश्न का उत्तर क्या है। यस, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर दोस्तों लाइन का। क्या है? लाइन का आपका राइट आंसर है। सूरजकुंड झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सूरजकुंड झील किस राज्य के अंदर स्थित है? यस, राइट आंसर इज हरियाणा। किसके अंदर है? हरियाणा के अंदर स्थित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें दोस्तों। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुक्ता माल्यदा का लेखन किसके द्वारा किया गया था? बताइए प्रश्न का उत्तर। मुक्ता मल्यदा का लेखक, इस प्रश्न का राइट आंसर कृष्ण देव। कौन है? कृष्ण देव है। नेक्स्ट देखेंगे जो पुस्तक के लेखक है उनके बारे में पूछा गया है। बताइए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर। बताइए जल्दी से प्रश्न का उत्तर पूछा गया है। यस, सुनील कुमार। क्या है? द प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक के लेखक पूर्व मुख्य नौसेना अध्यक्ष के द्वारा लिखी गई, सुनील कुमार के द्वारा लिखी गई थी। अगला देखेंगे यहां पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है प्लासी का युद्ध। देखिए सवाल है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज, त्राइन का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों? त्राइन का युद्ध लड़ा गया था। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सजीव जिम्मेदार है? बताइए जल्दी से। राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं दोस्तों? जीएसटी की फुल फॉर्म भी मुझे कमेंट बॉक्स में करना। इसमें कुल 35 सदस्य। कितने सदस्य? 35 सदस्य है। चलिए देखेंगे जून 2019 की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है?
कुडन कुलम कौन करता है? कुडन कुलम करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। वर्ष भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? 1925। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करना चाहते हैं, फुल्ली ऑफ तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी टीम के द्वारा एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इसकी परीक्षा 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के मध्य है। नए सिलेबस के अनुसार 35% और यहाँ पर 80% छूट दे रखी है। ओनली फॉर 120 रुपये के अंदर आपको दिया जा रहा है। तो इसकी अधिक तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए। और कोई भी समस्या है तो हमारे डिस्प्ले के ऊपर नंबर दे रहे हैं, उसे कंफर्म करें और कॉल करें। धन्यवाद।